फ्लिक किया इस बार और गैप में खूबसूरत शॉट बबल की ओर से, चार रन आते हुए और बहुत ही जरूरी ये चार रन। इसी का जिक्र हो रहा था, एक बाउंड्री और मोमेंटम को अपने तरफ खींच लीजिए। अच्छा शॉट ये, लेट खेला, पैरों के पास से गैप ढूंढा, जबरदस्त टाइमिंग वहां बबल राय के तरफ से। इस इनिंग की पहली बाउंड्री थी ये और पावर प्ले के आखिरी ओवर में ये बाउंड्री आती हुई। उठाकर खेला इस बार हार्डी ने और चार रन्स मिलेंगे, बहुत ही जरूरी है चार रन्स। और देखिए यहां पर उठता हुआ शोर पंजाब दे शेर के सपोर्टर्स की ओर से, थोड़ी डांट वहां जरूर मिलेगी कोच पप्पा दास से। पैरों का इस्तेमाल करना चाहा बाउंड्री लाइन पर फील्डर ने, कोच कहेंगे क्यों हाथों को आपने वहां इस्तेमाल नहीं किया, थोड़ा सा कैजुअल, लेकिन दूर थी वो गेंद काफी, लेकिन शॉट की तारीफ करनी होगी हार्डी संधु के तरफ से, शानदार टाइमिंग। तैयारियां तो चल रही हैं पर यहां पे क्या विकेट हो सकती है। जी नहीं, एक रन मिला है। ओ मिस फील्ड के चलते चार मिल जाएंगे। स्वागता के लिए आज का दिन अच्छा नहीं जा रहा है, कप्तान के रनर के रूप में आए थे, रन आउट कराया था कप्तान को, रन ज्यादा बना नहीं पाए हैं, यहां पे मिस फील्ड, कोच की नजरें इनके ऊपर हैं। इफ लुक्स कुड किल रमन भाई, बप्पा दा वाज नॉट हैप्पी विद दैट एफर्ट। और जहां तक ये देखिए, और ये टॉप एज और शॉट थर्ड मैन के ऊपर से चार रन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फोर रन्स। ये देखिए ऊपर वालों का शुक्रिया अदा करके। ना ना ना, वो टेंशन लग रही थी, मुझे लगा बेंगलोर टाइगर्स की खेमे में वो चेहरा था शायद, जो कह रहे थे अरे कहां से आ रही है ये बाउंड्रीज। नहीं 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 नहीं, ये देखिएगा वेलकम बाउंड्री है ये पंजाब दे शेर के लिए। दे ऑल काउंट, इट वाज अ बिग हीव टॉप एज and it went flying over third man for four.